आज आपका YouTube इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, कानपुर खत्म होगा इंतजार। सीएम योगी 10 नवंबर को दिखाएंगे मेट्रो के ट्रायल रथ को हरी झंडी। कानपुर में पहले फेज की मेट्रो की दौड़ने का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों को पंख लगने वाले हैं। 10 नवंबर को सीएम योगी कानपुर आकर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो के पॉलिटेक्निक से डिपो पहुँच कर वहाँ पर जायजा लिया। इसके बाद IIT स्टेशन पर जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD कुमार केशव के साथ मेट्रो का पूरा मॉडल देखने के साथ ही कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि कानपुर में मेट्रो ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। गौरतलब है कि इसके पहले ट्रायल रन की तारीख 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन अब उसके पहले ही इस ट्रायल रन को किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए साल से पहले ही शहरवासियों को मेट्रो का तोहफा देने की तैयारी है। बता दें, IIT से फूलबाग तक प्रथम चरण के मेट्रो ट्रैक का निर्माण का कार्य जारी है। इसमें IIT से मोती झील तक एक फेज का काम लगभग अंतिम चरण पर है। वहीं IIT से रावतपुर तक सभी मेट्रो स्टेशन पर काम तकलीफ पूरा हो चुका है। कानपुर IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक के हर स्टेशन में मेट्रो ट्रैक करीब 45 सेकंड रुकेगी। इसी दौरान यात्रियों को ट्रेन में चढ़ना और उतरना होगा। दिव्यांगों को विशेष सहूलियत देते हुए ट्रेन में चढ़ाने उतारने के लिए स्टॉपेज का समय बढ़ाया जा सकता है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।